चैनल है, उस चैनल बहुत सारी मुझे ब्लेसिंग मिली और कल मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। दो दिन में मैंने क्या किया, दो तीन दिन में, अब आपको ये ब्लॉग फ्लैशबैक में देखने को मिलेगा। तो मैं बाकी की क्लिप आपको, तो बस अब मैं नहीं बोलूँगी, अब आप मेरा ब्लॉग देखिए कि इन दो दिनों में, तीन दिनों में मैंने क्या किया। मतलब मोस्टली एक दिन का ब्लॉग है, एक थोड़ी बहुत क्लिप एक दो इधर की हो सकती है, यानी कि। तो आप ये ब्लॉग देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, आप ये ब्लॉग देखिए। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड, अभी बज रहे हैं सुबह के 4, मेरी आँख नहीं खुल रही है। मैं आपसे नहा धो के फिर उसके बाद आपसे बात करती हूं। मैं आपको रास्ते में बताऊंगी। फिलहाल अभी हम सब रेडी हो चुके हैं, पैक कर लिया। एंड सॉरी गाइज, मैं अपनी क्लिप को पूरा नहीं कर पाई थी क्योंकि गाड़ी आ चुकी थी और ऑलरेडी लेट हो रहे थे, सब जने चिल्ला रहे थे, तो मैं जल्दी से चली गई थी क्लिप। मैंने कहा मैं बाद में ऐड कर दूंगी। और यहाँ रास्ते में निकल चुके थे, 2 घंटे के बाद हम यहाँ पे रुके हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने के लिए। तो ये एक होटल थी, मतलब होटल टाइप ही थी, और ऊपर हम यहाँ पर जा रहे थे। फर्स्ट फ्लोर पर वॉशरूम बना हुआ था, तो हम वॉशरूम यूज़ करके उसके बाद नीचे आया। नीचे आके हमने हमारी चाय वगैरह, जो भी सैंडविच वगैरह हैं वो हमने यहाँ पर ऑर्डर किए, वो हम यहाँ पर किए। मतलब अच्छा था, 2 फ्लोर में बना हुआ था ये वाला रेस्टोरेंट। ये सेकंड फ्लोर, सॉरी फर्स्ट फ्लोर है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे हम बैठे थे। हम यहाँ ग्राउंड फ्लोर पे बैठे, हमने चाय और कॉफ़ी ऑर्डर की थी और ये सैंडविचेस ऑर्डर किए थे। और उसके बाद फिर वापस से हम हमारे सफ़र की तरफ निकल पड़े थे। और सीरियसली इतने सालों में मैं पहली बार अपना बर्थडे जो है बाहर बना रही हूँ। मैं अपने बर्थडे वाले दिन कहीं बाहर जा रही हूँ, तो मैं बहुत खुश थी, बहुत हैप्पी थी और बच्चे भी एक्साइटेड थे। और काफ़ी टाइम के बाद, वैसे भी हम घूमने के लिए काफ़ी टाइम के बाद निकले थे और ऑलमोस्ट आपको पहाड़ देख के पता चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बस अभी हम पहुँच चुके हैं, बस थोड़ी सी देर की, जो हमारी डेस्टिनेशन है उसके लिए बस थोड़ी सी देर और हमें ट्रेवल करना है। और यहाँ की लोकेशन देखिए, वहाँ मतलब बारिश का मौसम है ना, बारिश की वजह से चारों तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, मतलब हरियाली हरियाली हो रही है और इतना अच्छा लग रहा था। और जब यहाँ से हम निकल रहे थे ना, इतनी ठंडी हवा थी पूरे रास्ते, मौसम बहुत अच्छा था। मतलब थोड़ी देर के लिए बीच में धूप आई थी लेकिन ऑलमोस्ट ठंडा मौसम था। हमको यू नो गाड़ी की एसी चलाने का भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने थोड़ी देर जब गर्मी थी तब एसी चलाया था, अदरवाइज़ बाहर से इतनी ठंडी हवा आ रही थी इतने। और यहाँ पहाड़ों के पास से तो और भी ज़्यादा ठंडक थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी। तो बस आप इंजॉय कीजिए, मैं थोड़ा सा म्यूजिक ऐड कर देती हूँ और उसके बाद मैं आपसे बताती हूँ आगे हमने क्या क्या किया। और उसके बाद फ्रेंड हम यहाँ पे बीच में रुक गए थे क्योंकि यहाँ पे एक लोकेशन था, मतलब फ़ोटो वोटो क्लिक करवाने का अच्छा था और व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने व्लॉग भी शूट किया अपना और एक दो रील भी बनाई है मतलब कि, और फ़ोटो वगैरह भी क्लिक किया। और पीछे का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, बहुत ही ग्रीनरी ग्रीनरी, और थोड़ा ये टॉप पे था, आप जैसे कि देख रहे हो ऊंचाई पे था, तो स्पेशली ये सेल्फी वगैरह के लिए, वीडियो वगैरह के लिए बनाया हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी अपनी एक दो रील भी शूट की। और कहते ना, नेचर के पास आप जाते हो ना तब आपको बहुत अच्छा लगता है, इतनी अपने आप आपकी हीलिंग हो जाती है। और उसके बाद फाइनली हम पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन। अब तो आपको पता चल ही गया हम कहाँ आए, हम आए हैं अजमेर शरीफ, वाओ, गरीब नवाज की दरगाह में। और मैं बहुत 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 खुश हूँ, बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बर्थडे वाले दिन गरीब नवाज ने मुझ पर ये यू नो कर्म किया कि मैं उनके दरबार में आई हूँ अपने बर्थडे वाले दिन उनकी दुआएँ, उनका आशीर्वाद लेने। तो बहुत खुश थी मैं। और अंदर जब मैं गई थी, आई डोंट नो ये हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, और मैंने सलाम किया और अंदर जब हम गए, अंदर मैंने सूट तो नहीं किया था, मतलब अंदर जहाँ मेन हमने प्रसाद वगैरह चढ़ाया था, चादर चढ़ाई थी, तो वहाँ तो मैंने सूट नहीं किया था, लेकिन वहाँ पे मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। आई डोंट नो, मैं कुछ ज़्यादा सोच भी नहीं रही थी, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ सोचा या कुछ मांगा, बस मैं वहाँ गई और अपने आप मेरे को एक ऐसी डिवाइन एनर्जी फील हुई, मेरे को गूज बम्स आए और ना यू नो मेरी आँखें भर आई। जैसे ही बाबा की चादर हमारे सर पर रखी थी और वो जब दुआ पढ़ते हैं, उस वक्त मैं एक्चुअली उससे पहले ही मेरा हो चुका था, लेकिन मतलब इतना इमोशनल मेरा अंदर से अपने आप आ रही थी और इतना ब्लेस्ड फील कर रही थी। मैं अपने बर्थडे वाले दिन यहाँ पे आई थी और यहाँ पे हमने चादर ओढ़ ली थी और ऐसे मैं इस तरीके से रख के गई थी, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अंदर जाने के बाद मेरे को ना वहाँ पे
अपने आप इतना इमोशनल हो गई, मेरे आँखों से आंसू आ गए। लाइक जब बोलते ना कि जब मक्का मदीना जाते हैं लोग बोलते हैं, मैंने देखा था वीडियो में देखा था कि जब वहाँ जाते तो लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर गरीब नवाज की दरगाह में पहले भी बहुत बार गई हूँ, लेकिन पहली बार मैं इतना इमोशनल हो गई थी। और उसके बाद मतलब कि हम बाहर या निकले, यहाँ पर जो देग है वहाँ देग भी गए, वहाँ पर भी हमने छीनने के लिए जो डालते हैं थोड़ा बहुत हमने वो भी पैसे भी वहाँ पर डाले। और यहाँ पर बस लास्ट में निकलते टाइम मैंने थोड़ी सी ये वाली क्लिप शूट की थी और सलाम किया, और जो भी दुआएं थी आप सबके लिए भी दुआएं मांगी जो मुझे देखते हैं। और उसके बाद हम यहाँ आ गए थे आना सागर, तो यहाँ पे मैं अपनी थोड़ी छोटी मोटी वीडियो भी बना रही थी, रील भी बना रही थी, वो आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए क्लिप मैंने ऐड की है। और मतलब यहाँ आना सागर में बहुत ज़्यादा पानी था, अभी तो वैसे भी बारिश हो रही, तो आप खुद ही देख रहे हो पीछे इतना ज़्यादा फूल था। और ये एक फूड कोर्ट था, लेकिन हमने यहाँ कुछ खाया नहीं था क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो रहे थे, हमें आगे जाना था। और हमारा एक दिन का सफ़र था, यानी कि हमने एक दिन में अप डाउन किया था, तो हमें टाइम से वापस घर भी आना था। लेकिन यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था, काफ़ी लोग यहाँ पे फोटो वगैरह ले रहे थे, वीडियो ले रहे थे, क्लिप बना रहे थे, मैंने भी यहाँ पे पिक क्लिक की, एक दो वीडियो बनाए। पानी बहुत था, मैं थोड़ा पानी से दूरी थी क्योंकि मुझे पानी से डर लगता है, और मेरा पता नहीं क्या पानी से फोबिया, मैं पास नहीं गई थी। तो बहुत अच्छी व्यू थी यहाँ पे, हालांकि थोड़ा धूप थी इस वक्त, यहाँ पे धूप आ गई थी जब हम यहाँ से निकले, तो वापस ना बादल आ गए थे। और उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे सेवन वंडर देखने के लिए, और ये कोटा में भी बने हुए हैं, जयपुर में भी हैं, और अभी अजमेर में भी बन गए हैं। जयपुर में आई थिंक है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन हाँ कोटा और अजमेर में तो है, अजमेर में अभी बने, कोटा में तो पहले थे, अजमेर में भी बने। तो यहाँ पे भी काफ़ी लोग आए हुए थे, हमने भी काफ़ी यहाँ पे फ़ोटो वोटो क्लिक करवाई, और अच्छा लग रहा था यहाँ पे आके। बस ये था कि थोड़ी धूप थी, अगर थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाता ना तो और भी अच्छा लगता, लेकिन मैंने जितना हो सका आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए पूरी क्लिप बनाई थी। मैं यहाँ बोल नहीं पा रही हूँ, मैंने वॉइस ओवर किया है क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और धूप भी बहुत तेज़ हो रही थी, दूसरा पीछे का शोर बहुत था, तो मैंने कहा मैं वैसे भी बोलूँगी तो वॉइस क्लियर नहीं जाएगी, माइक वगैरह मैं लेके नहीं गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं शूट कर लेती उसके बाद वॉइस ओवर कर दूँगी। और फिर यहाँ पे हम आ गए थे, 3:30 बज चुके थे, हमने लंच नहीं किया था, तो बस ये ढाबा था वहाँ पे हम रुके थे, अच्छा था, मतलब खाना भी यहाँ का अच्छा था। फिर उसके बाद वापस से हम निकल चुके थे हमारी मंजिल की ओर, यानी घर की तरफ वापस आ रहे हैं, और शाम हो गई थी आते आते। और हम उसके बाद घर पे आने से पहले बीच में हम चाय पीने के लिए रुके थे शाम के वक्त, जो सुबह जहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट किया था वहीं पे। और ये रास्ते में एक शॉप आई थी, मतलब शॉप क्या, एंड यहाँ पे सिर्फ ना वो इस टाइप की, यानी कि हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ के आइटम मिल रहे थे, काफ़ी थे, लेकिन यहाँ पे चीनी मिट्टी वाले बहुत थे, तो ज़्यादा कुछ तो लिया नहीं था, एक दो चीज़ें हमने ली थी। लेकिन हाँ मैंने एक्सप्लोर पूरा किया था, देखा था क्या क्या चीज़ें हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, डेकोरेशन की भी थी, घर में डेली यूज़ आने वाली भी थी, और मिट्टी के भी बर्तन थे, चीनी मिट्टी के भी थे, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। मतलब मैंने अंदर भी जाके आपको बताऊंगी, वीडियो मैंने शूट किया है, तो मैं हमने ज़्यादा नहीं ली, बस हम जब वापस आ रहे थे तो रास्ते में ये चीज़ें थी। दोनों तरफ मार्केट लगा हुआ था, यानी कि लेफ़्ट और राइट साइड दोनों साइड था, और बहुत अच्छी अच्छी छोटी छोटी ये थे। लेकिन ऐसा ऑलरेडी मेरे पास एक है, मेरी मम्मा ने दिया था, मतलब तो एज ए गिफ्ट दिया था मेरे को, और काफ़ी चीज़ें थी, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैंने एक दो चीज़ें ली थी बस, क्योंकि फिर ना वो था कि चीनी मिट्टी के थे और ज़रा सा इनका टच भी लगता ना, तो फिर ये ना नाजुक बहुत होते, टूट जाते हैं, तो देख रही थी बस, मन का चलो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं थोड़ा सा म्यूज़िक ऐड कर देती हूँ और आप लोग देखिए। उसके बाद फ्रेंड फिर हमें मतलब घर आते आते अंधेरा हो चुका था, देख जैसे कि आप देख ले अभी हम हाईवे पे हैं, मतलब पुल पे हैं, और इतनी अंधेरा हो चुका, हालांकि हम ज़्यादा देर रुके भी नहीं थे। और लास्ट में हम जब आए तो रास्ते में देशनोक आता है, तो फिर जो हमारे जो साथ हमको गाड़ी वाले लेके गए थे ड्राइवर थे, उन्होंने खुद ने अपने आप ही रोक दिया, हालांकि हमने उनको बोला नहीं था, ना ही हमारा कोई प्लान था, हमने सोचा था हम दरगाह जाएंगे वापस आ जाएंगे, लेकिन उन्होंने खुद ने बोल दिया कि आप लोग आए हो तो यहाँ पर भी चले जाओ। फिर वो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि चलो ठीक है चलते हैं, तो फिर यहाँ पर देशनोक में हम रुक गए थे। आते टाइम रात के टाइम आरती का टाइम था, उस वक्त एग्जैक्ट उसी टाइम हम पहुँचे थे, तो मन कहा चलो अच्छा आज मेरा बर्थडे है तो बर्थडे वाले दिन चलो सबकी ब्लेसिंग मिल जाएगी, तो ये भी आप लोगों की। और उसके बाद फिर हम निकल गए, और बस ये जाते जाते मैंने शूट किया।